मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका भाई सेट और आप देख रहे हैं स्वैग चोरस सेट व्लॉग्स। तो गाइज हो चुका हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए, साथ ही साथ मम्मी के साथ यहाँ भजन, और मैं कर रहा हूँ आज नाश्ता दूध और बनाना का। पापा आज शाम को आ जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और शगुन आएगी कल तक, एक दो दिन और बचे उसके रिजल्ट, और उसके बाद स्कूल जाने के, तो फिर उसकी मौज हो जाएगी ख़त्म। तो शगुन भी कल तक आ जाएगी, शाम तक आ जाएंगे पापा। तो फिलहाल मैं करूँगा नाश्ता, उसके बाद निकलना है यार मेरे को ऑफिस के लिए। तो चलो मिलते हैं ऑफिस के लिए। और यहाँ खड़ी हमारी गाय माता। तो सुबह की सबसे पहले रोटी हमारे घर में गाय की होती है, तो हम सबसे पहले गाय को खिलाते हैं। बाय बाय, जाओ अब। आ गई अपनी रानी। चाचा नमकीन ले रहा, चाचा नमकीन खिला दो बस। में चाचा बना ली नमकीन के नाम पे, नमकीन के नाम पे चाचा बना लिया, नमकीन के नाम पे भाई साहब चाचा बना लिया। इतना चाचा बनता है राहुल भाई, भाई साहब को बीच में ला रहा है। नमकीन के नाम पे चाचा बना लिया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देख ले भाई, देख ले साहिल, भाई सबको बीच में ला रहा है ये बार बार। भाई मैं नहीं देख पाऊंगा ये सब कुछ, भाई देख ले। इसको बोलने जाता भाई साहब ना बोलेगा भाई साहब को, नहीं तो फिर ये भाई चाचा के नाम पे क्या है ये नमकीन, नमकीन क्या है ये सब कुछ। बाहर नमकीन देख जैसे चढ़ रहा है ना बस पे, मैं तो नहीं देख, मैंने देखा भाई नमकीन है इन्हें। और क्या हाल है चाचा? ऊपर आगे चाचा नमकीन पूछे दे सकते थे। ओ मेरे चाचा है, वो बाल्टी चोरी कर दी, 900,000 बाल्टी मंगवाई थी, 999 बाल्टी घर ली, एक बाल्टी बची है वो भी आल्टी लगाई, आल्टी वो भी बाल्टी पे पूरा घर पेस्ट कर दिया, पानी डाल डाल के सफेद पुट्टी सारी घर में जमा दी, लेकिन चाचा के नाम पे पीछे लगा देख, चुपचाप छुप गया, देखो चुपचाप छुप गया, और नमकीन खा रहा है, दो 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 नमकीन खा रहा है भाई, नमकीन खा रहा है पीछे से। क्या हो गया मनीष, क्या हो गया? चाचा की नमकीन खाएंगे, चाचा नमकीन खा गए इसने आपके चुपके चाचा की नमकीन है, चाचा की नमकीन आ रही है भाई, देखो देख नमकीन आ रही है चाचा की। साहिल भाई देख ले मेरे से, सब कुछ देखा जी, देख ले भाई साहब को बीच में ला रहा है, भाई साहब को बीच में ला रहा है, कह रहा है ये तो देख नमीन के नाम पे भाई चाचा मना लिया, भाई एक बाल्टी इधर रखी नौ से निकालने जा पे टप्पा कर, आधी आधी बाल्टी लगाई, आधी बाल्टी भाई देख ले ये क्या कह रहा है भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा, देख भाई साहब के बारे में ऐसी बात नहीं, ये गलत बोल रहा है भाई, जो भी बोल रहा है भाई कुछ भी बोल सकता है भाई, जब नमकीन के नाम पे ये चाचा बना सकता है तो फिर तो छोड़ दे तू, क्या इसके घर पे, घर पे क्या सर पे क्या ढूंढ रहा है, जवाब दे भाई, मिस कॉल दो या SMS करो। नहीं 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 नहीं, हमारे को तो आज ही दिखे भाई, हमारे को तो आज दिखे, हम मैं 3-4 साल में जाते तो है, वो तो चाचा नम के नाम पे चाचा बना लिया भाई, नमकीन के नाम पे तुम चाचा बना रहे, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है अंकल, नमस्ते। नमस्ते तो कभी नहीं, पैसे रखवा दो, चाचा ने भी नमकीन चुपा ली भाई, उसमें भी भाई साहब पता नहीं क्या करती है, खाने रहे चाचा नमकीन, मीटर तो खा दिया उसने, एक बार मुंह में लिया और सीधा खत्म, आधा पैकेट चाचा कह रहे ये क्या हो गया, आधा पैकेट बोलो बैग में डालने दम पर। आज 11 बजे आया ना चाचा, दुखी होके चले गए, 11 बजे छेड़ भाई, चाचा दुखी होके वहाँ चले गए भाई साहब, देख चाचा बना दिए भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर रहा, भाई सबको बीच में ला रहा है, कह रहा है
तो गौरव आपको कैसा लगा चाचा? तू अलग ही मनगढ़ंत कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं भाई। चाचा जैसी स्टैंड पे आए थे इसने देख ली नमकीन हाथ में, चाचा बना लिया भाई। चाचा भाई एक बार चाचा ने बोल दिया चल चाचा है, कोई बात नहीं भतीजा समझ के दे देता हूँ भाई। एक बार हाथ मारा आधी नमकीन का, चाचा ने नमकीन ही छुपा ली भाई, डर गए चाचा भाई। चाचा बोले पिक्चर कर देगा ये तो। अंगूर तोड़ रहा है भाई, बस में थोड़ी अंगूर मिलेंगे। सब ये है मनीष, ये है डॉग लवर। मनीष का डॉग ये रहा, बाकी डॉगों को अरे पुचका रहा है तो गुस्सा कर रहा है कि मेरे को ही प्यार कर रहा है, सबको दूर कर रहा है कि मेरे को ही प्यार कर। लड़ रहा है देख कि भाई कोई भी प्यार ना करे इसको, ये बस इसको ही प्यार करे। गुस्से में आ गया। मैं को डराऊंगा अभी देखना गाइस, चुपचाप दे भाई आ गए हम घर पे और मम्मी इस बार डरी नहीं। मैं क्या हर बार ही आता हूँ शूट नहीं करता, पर एक चुपचाप से आता हूँ और मम्मी को डरा देता हूँ मैक्सिमम। आज क्या होगी, मम्मी को हल्की सी आवाज आएगी, मम्मी चौकन्ना होगी। जैसी मैंने आउट करा तो मम्मी को कुछ नहीं, मम्मी सीधी खड़ी हुई थी। तो फिलहाल अभी ये है लड्डू, मेरे मनपसंद जो बताया था मैंने, जो मासी ने बनाया। देख लिया मैंने पहले दिखा दिया था, खुशबू के साथ साथ स्वाद भी बहुत आता है। इसको सबने पसंद किया, सबको छोड़ो पहले मैंने तो पसंद करा है। सबने मतलब हम सब जो भी खा रहे हैं लड्डू, मतलब मैं शगुन तू विमल सब खाया तो सबको बहुत पसंद आया। फटाफट खाना बनाओ पहले, पहले कान्हा जी का भोग का खाना बनेगा, उनका भोग लगेगा, उसके बाद फिर अपना पड़ेगा। ठीक है बना दो, पर फिलहाल मैं खा रहा हूँ लड्डू, एंजॉय करते करते जाऊँगा बाहर, उसके बाद वापिस आऊँगा घूमते घूमते घर। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, ये है डॉक्टर सिद्धू पार्क, मैं डॉक्टर भी बन चुका हूँ ठीक है, और साथ ही साथ ये मेरा पार्क है। तो प्लीज़ कोई भी आए इस पार्क में तो परमिशन जरूर ले लेना मेरी, नहीं तो अन्यथा आपका फाइन भी लग सकता है। गाइस जैसे कि आ चुका हूँ घर पे और खाना खाने का मन है अब मेरा, भूख भी लग रही है, मन क्या भूख भी है। मम्मी ने बनाया अभी सोयाबीन की सब्जी रोटी और ये है कुछ चावल। मैं खा लेता हूँ खाना, पापा अभी तक आए नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि एक घंटे से लेट थी पापा की ट्रेन, तो मैं आराम से खा पी के बैठ जाऊँगा। इतनी देर में पापा मुझे पता आ ही जाएंगे क्योंकि पापा आ चुके हैं दिल्ली के एंड में आधे घंटे में, तो आधे घंटे में आ ही जाएंगे। ये मत सोचना कि आधे घंटे में आएंगे तो आधे घंटे में खाऊँगा, 10-15 मिनट में खा लूँगा, बट क्या है इधर उधर घूमते घूमते आधे घंटे हो ही जाएंगे, तो पापा इतनी देर में आ ही जाएंगे। पापा को गए हुए 10 दिन हो गए, 8-10 दिन, तो फाइनली पापा आ रहे हैं और शगुन आएगी कल परसों तक आ जाएगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शगुन को दिखाऊंगा, वो गई हुई है मासी जी के होली मनाने में, जब से वो वहीं हैं अब कुछ दिनों में उसके फिर से स्कूल स्टार्ट होने वाले और रिजल्ट भी आने वाला है। खिंचाई करूँगा उसके रिजल्ट आन दो, मुझे पता ही अच्छा ही आएगा उसके रिजल्ट, क्योंकि बहुत मेहनत करी है उसने। वो तो मैं मजाक करता था ब्लॉग्स में कि वो कुछ पढ़ नहीं रही, इधर घूम रही उधर, वो तो मस्ती चलती रहती है यार ब्लॉग्स में। तो यार फटाफट पहले मैं खा लेता हूँ खाना, क्योंकि खाना इंतज़ार कर रहा, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो फिर खाना खा के मिलते हैं। बोलो
काहे बोलू बता। आज मैं के सब्जी कोनी पकनी। गाइस मम्मी ये कहना चाहती है कि ये देखो अभी मैं खाना खा रहा था, अरे वापिस से सीटी लग रही है, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मम्मी से रह गई कच्ची सब्जी सोयाबीन की। मैंने अपनी तरफ से इतनी टेस्टी सब्जी बनाई थी, पर क्या करूँ सोयाबीन आज मैंने ना बिना भिगोए बनाई थी। हाँ तो एक्सपेरिमेंट आपके एक्सपेरिमेंट नहीं है बेटा, पहले भी बना रखी है, पर पता नहीं क्यों आज है ना ये पक्की नहीं है, थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी रह गई है, इसलिए दोबारा बना रही हूं। वो बना लेते हैं तो इन पर डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, अभी उन्होंने डबल मेहनत कर दी उसमें। मुझे पहले ही पता था, मैं तो पहले ही कह रहा था। ये डायलॉग हमारे दादी के हैं, मम्मी अभी खुद ही ले आई है। क्या ये दाल? ये देखो मैंने चटपटा दाल है ना, क्या कहते हैं दाल मूली टाइप का, चटनी बना रखी थी मैंने, इसमें प्याज और वो क्या कहते हैं उसको चने की दाल की, क्या कहते ट्रेन में ज्यादा मिलती है तो ये बहुत टेस्टी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कटोरी बचा ली गंदी करने की, क्योंकि ये बर्तन मांज के मैं तो पागल हो गई, बर्तन धोना ना पड़े। हाँ जोर आ रहा है, जोर की क्या बेटा, सारे दिन तो भांडे में ही लगे रहते हैं आजकल, काम जोर हो रहे। सच बात मत बताओ कैमरे के सामने, चाची ये बात तो आप सब पे होती है इम्प्लीमेंट। मैं सारा खा जाओगे क्या? मैं खा रहा हूँ। सो गाइस मैं तो खा रहा था दाल, मैंने बोलता खाता खाते पापा आ जाएंगे, तो पापा आ चुके हैं। सो गाइस मैं तो खाने लगा हूँ चावल, मेरा मन नहीं कर रहा, मम्मी खा रही है रोटी सब्जी और पापा भी आ गए हैं, तो पापा भी खाना खा रहे हैं और पापा सामने देख रहे हैं आईपीएल। मैंने तो एक बार भी आईपीएल नहीं देखा और आज ही देखने बैठा हूँ। कितने बज रहे हैं? 10:40। सो गाइस खा लिया मैंने खाना, खाने में जैसे मैंने बताया था कि मम्मी ने सोयाबीन सब्जी और रोटी और चावल थे, मम्मी से थोड़ी कच्ची रह गई थी सब्जी तो इस चक्कर में मैंने खाई नहीं। उसके बाद क्या थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया मम्मी को सब्जी को फिर से सही करने में, सब्जी तो मम्मी ने सुधार दी थी, बट क्या यार उस टाइम फिर एक बार खाने बैठ जाओ ना और थोड़ा सा खा के उठ जाओ, उसके बाद क्या मन ख़राब सा हो जाता। वो तो कोई नहीं कोइंसिडेंस था, वो तो होता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बाहर से भी खा के आ रखा था और साथ ही साथ मम्मी ने चावल बना रहे थे तो मैंने खा लिया था चावल, और कोई नहीं होता रहता है चलता रहता है, वो तो कोई नहीं गलती नहीं जान मुझे थोड़ी करा मम्मी ने। तो पापा भी आ चुके हैं, कल आएगी शगुन घर पे, और आज जो देखा आपने बस में वो मस्ती मजाक चल रही थी, ऐसा कोई नहीं कि उसने चाचा बना लिया नमकीन के चक्कर में, वो तो हमारी मस्ती मजाक चलती रहती है ऐसी नॉर्मली, तो बस ये मत समझना कि सही में रियल में गौरव ने अंकल को चाचा बना लिया, कोई नहीं ऐसी मजाक मैं करता हूँ और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा मस्ती मजाक करते रहना चाहिए, गुमसुम तो हर कोई रहता है, हमेशा खुश रहो, हर चीज़ में खुश रहो और मस्त रहो। तो फिलहाल यही था मेरे आज के ब्लॉग में, इस ब्लॉग को कर देता हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैक्चर असेट का। गुड बाय एंड टेक केयर।